और शाहरुख को भले ही आमिर खान से बड़ा सितारा माना जाता हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस की दौड़ में हमेशा आमिर खान इन दोनों खानों को पटकनी देकर ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में ये दोनों आमिर खान से बड़े सितारे हैं। सलमान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस बार सलमान ने आमिर को पछाड़ने का मन बनाया है। उनकी इस वर्ष की पहली फिल्म ट्यूबलाइट ईद पर प्रदर्शित होगी। सलमान चाहते हैं कि ये फिल्म न केवल दंगल को पटकनी दे बल्कि 400 करोड़ क्लब की पहली फिल्म बने। आपको याद होगा कि आमिर खान ने भी दंगल के प्रदर्शन के पूर्व मिशन 400 करोड़ नामक प्लान बनाया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी कि उनकी फिल्म 400 करोड़ का आंकड़ा पार करे। पूरा दम लगाने के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया। सलमान भी प्लान बना रहे हैं। ईद पर उनकी फिल्म प्रदर्शित हो रही है। ट्यूबलाइट की चमक पे ऐसे बिखेरना चाहते हैं कि आंखें चौंधिया जाए। 400 करोड़ का आंकड़ा फिल्म कैसे पार करे, इसकी प्लानिंग उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि अभी वक्त है। सलमान की सबसे सफल फिल्म 300 करोड़ तक पहुंची है और 400 करोड़ दूर की कौड़ी नजर आती है, लेकिन सलमान को अपने स्टारडम पर भरोसा है। एक बार वे आमिर को पीछे छोड़ना चाहते हैं।